हाँ जी, तो लास्ट टाइम हम लोग पढ़ चुके थे 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर कैसे बनता है वहां तक, और फिर हमने पोलन जर्मिनेशन पढ़ा था। पता है ना सभी को पोलन जर्मिनेशन? यस सर। हाँ जी, पोलन ट्यूब निकल के आ जाती है, ठीक है ना। मतलब कि अगर मैं बात कहूँ कि एक एग्जाइन लेयर है, एग्जाइन लेयर किससे बनी हुई होती है? क्यूबिश बॉडीज विस्क बॉडीज की मदद से बनता है, और किससे बनी हुई होती है? स्पोरोजेनिटस। स्पोरोपोलिन, उसका यस नाम सर। है स्पोरोपोलिन, ठीक है। अच्छा, जो अंदर वाली ये ब्लैक वाली लेयर बनाई है इसको इंटाइन बोलते हैं, ये ही एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है, और एक पोलन ट्यूब फॉर्म करती है। यही एक्सटेंड होकर क्या फॉर्म कर दिया इसने? पोलन ट्यूब फॉर्म कर दिया, और जिस जगह से ये निकलती है उस जगह को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जयपुर। हाँ जी, जिस जगह से ये निकल रही है, देखो ये तो क्या हो गई, ये हो गई हमारी पोलन ट्यूब, ठीक है, और जयपुर ये है एग्जाइन लेयर और ये है एंटाइन लेयर, ठीक है। तो इनके बारे में लिख देता हूँ मैं। तो ये है पोलन ट्यूब, ठीक है, पोलन ट्यूब, और ये है एंटाइन लेयर और ये है एग्जाइन लेयर, ठीक है। एग्जाइन इज मेड अप ऑफ व्हाट? एग्जाइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, ठीक है, स्पोरोपोलिनिन से बना हुआ होता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि एग्जाइन किससे बना हुआ होता है, ठीक है, ये मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। एग्जाइन बना हुआ होता है स्पोरो पोलेनिन से, और स्पोरोपोनिन क्या है? हार्डेस्ट हार्डेस्ट बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल मैटर। ओके, इट इज द हार्डेस्ट बायोलॉजिकल मैटर, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर मैं कहूं कि हार्डेस्ट मैटर कौन सा, मैंने बायोलॉजिकल नहीं लगाया है, तो हार्डेस्ट मैटर डायमंड। डायमंड है, ठीक है। हाँ जी, गुड, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, इसके बाद बात करते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया, स्पोरोपोनिन से बना हुआ होता है और ये हार्डेस्ट बायोलॉजिकल मैटर है, ठीक है। अब जो ये पोर लाइक स्ट्रक्चर है जहां से ये निकल के आता है, ठीक है, इसको हम जर्म पोर बोलते हैं, इसको हम जर्म पोर बोलेंगे, और जर्म पोर से ही पोलन ट्यूब निकलेगी। अगर किसी पोलन ग्रेन में मोर देन वन जर्म पोर है, ठीक है, तो उससे मोर देन वन पोलन ट्यूब निकल सकती है, ठीक है, क्लियर है, याद रखोगे? अच्छा, यस सर। अब मैंने आपको ये बताया था कि जो आपका अंदर वाली सेल है, इसके अंदर दो तरह की सेल्स होती हैं। एक आपकी वेजिटेटिव सेल होती है और एक होती है आपकी जर्म सेल, जिसको आप जनरेटिव सेल है ना, एक होती है जनरेटिव सेल और एक है वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल में माइटोसिस हो जाता है, इसके अंदर क्या होगा? माइटोसिस होगा और दो मेल गैमेट बन जाएंगे। माइटोसिस होने की वजह से क्या बन जाएंगे? दो मेल गैमेट, ठीक है ना, दो मेल गैमेट्स बन जाएंगे, और ये दोनों ही मेल गैमेट पोलन ट्यूब में आएंगे, और जो ये वाला न्यूक्लियस है इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस ठीक है, अभी नहीं बोलेंगे, अभी तो ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। ट्यूब न्यूक्लियस ये क्या कब बनाएगा वो बता रहे हैं, कब बनाएगा ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है। तो देखो, जैसे ही ये अंदर से ये बाहर निकल करके आ रहा है आपका ये पोलन ट्यूब, ठीक है, पोलन ट्यूब जैसे ही बाहर निकल करके आ रहा है, और इस चारों तरफ ऑब्वियस सी बात है एग्जाइन लेयर मिलेगी, ठीक है, एग्जाइन लेयर मिलेगी। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर न्यूक्लियस मिल रहे हैं,
एक न्यूक्लियस मिल रहा है जिसको कि हम बोलेंगे ट्यूब न्यूक्लियस। समझ में आ गया, क्योंकि ये भी उसके साथ आ रहा है। यस सर, यस सर, है ना, ट्यूब न्यूक्लियस। और आगे मिलेंगे दो मेल गैमेट्स, और ये दो मेल गैमेट कहां से बने? माइटोसिस, जनरेटिव सेल से। हाँ, जनरेटिव सेल में जब माइटोसिस हो गया है तो ये क्या बन गया यहाँ पे, दो मेल गैमेट्स। ठीक है, तो कुल मिला करके मैं ये कह सकता हूं कि जो स्टिग्मा है स्टिग्मा से जो ये मूवमेंट हो रही है आपके पॉलन ग्रेन की, वो इस तरह से हो रही है। हाँ, एक बात को याद रखना, जो इसकी स्पीसीज का, मान चलो ये फ्लावर है, फ्लावर है अगर किसी प्लांट स्पीसीज वन का, ठीक है, फ्लावर बिलोंग करता है किसी प्लांट की स्पीसीज वन से, तो इसके ऊपर किसी कोई दूसरा फ्लावर है, फ्लावर टू, और ये है फ्लावर वन। ठीक है, अभी फ्लावर टू अगर प्लांट स्पीसीज वन का ही है, मतलब उसी सेम प्रजाति का है, तब तो इसके पॉलन ग्रेन इसके ऊपर जर्मिनेट कर जाएंगे। और अगर किसी अदर स्पीसीज का हुआ, मान के चलो प्लांट स्पीसीज कोई टू आ गई और कोई फ्लावर थर्ड है, और फ्लावर थर्ड, और मान के चलो मैंने इस फ्लावर वन का ले रखा है स्टिग्मा, ठीक है, इसे क्या ले रखा है, मैंने स्टिग्मा ले रखा है, और इस फ्लावर से पॉलन ग्रेन आए वन, और इस फ्लावर से पॉलन ग्रेन आ रहे हैं, इस फ्लावर से पॉलन ग्रेन आ रहा है टू, ठीक है, तो आप मुझे बताओ इस स्टिग्मा के ऊपर कौन सा पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा? पॉलन फर्स्ट, पॉलन फर्स्ट करेगा, है ना, सेकंड वाला इसके ऊपर जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, और फर्स्ट वाला ही इसके ऊपर क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। क्लियर है? क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि स्टिग्मा के ऊपर सेम स्पीसीज के ही पॉलन ग्रेन क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, अगर किसी अदर स्पीसीज का आएगा तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा। क्लियर है, बात याद रखोगे? ठीक है, तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि यहाँ पे जो ये पॉलन ग्रेन से जो पॉलन ट्यूब निकल रही है, ये जो ये पॉलन ट्यूब निकल रही है, इसके अंदर क्या क्या है वो तो मैंने आपको यहां बता दिया है। ठीक है, अच्छा, अब जो ये मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट है, मैं लिख देता हूं यहां पे, कि मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब, मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब इज डिपेंड अपॉन केमिकल्स, कुछ स्पेशल केमिकल्स पे मूवमेंट डिपेंड करते हैं जो कि स्टाइल के अंदर मिलेंगे। ठीक है, अब ये क्या हिस्सा है, ये स्टाइल वाला हिस्सा है। ठीक है, इसके अंदर मौजूद कुछ केमिकल्स के ऊपर ये जो मूवमेंट है ये डिपेंड करेगी, इसीलिए इस तरह की मूवमेंट को हम बोलेंगे कीमोट्रॉफिक। क्या बोलेंगे? कीमोट्रॉफिक। समझे ना? जैसे मैं आपको इस वर्ड को याद करने के लिए दो और वर्ड बताता हूँ, आपको पता होगा ऑटोट्रॉफिक, पता होगा है ना, ऑटो मींस सेल्फ, ऑटो मींस सेल्फ, और हेट्रो मींस डिफरेंट, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते, तो ट्रॉफिक मतलब क्या होता है, डिपेंड होना। समझ गए? क्लियर है? तो अब ये केमिकल्स पे डिपेंड कर रहा है, तो हमने क्या बोल दिया, कीमोट्रॉफिक बोल दिया, क्योंकि ये जो इसकी मूवमेंट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, केमिकल्स पे डिपेंड, है ना, क्योंकि जो इसकी मूवमेंट डिपेंड कर रही है केमिकल्स पे, इसलिए हमने इसको बोल दिया है कि इसकी मूवमेंट कैसी है, कीमोट्रॉफिक। समझ गए? हाँ, जो मूवमेंट है पॉलन ट्यूब की वो डिपेंड करेगी केमिकल्स पे, और इस तरह की मूवमेंट को हम बोलेंगे कीमोट्रॉफिक मूवमेंट। और याद रखने के लिए मैंने ये दो और वर्ड बता दिए कि ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है। अच्छा, अब सुने, अब ये पॉलन ट्यूब जाता कहां तक है वो बात अब हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहां तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है,
और फिर मैं आपको अब आगे पढ़ाता हूं। अब सुने, आप धीरे धीरे देखेंगे कि ये पोलन ट्यूब फ्लावर के ओवरी के अंदर पहुंच करके, ओवरी के भी एक रीजन है, ओवरी का भी एक रीजन है ओव्यूल, वहां तक पहुंच गया है, है ना। ओव्यूल ने बताया था फ्लावर के अंदर क्या मिलता है, ओव्यूल मिलता है, है ना, फ्लावर के अंदर है ओव्यूल। और ये जो पोलन ट्यूब है ये ग्रो होते होते पहुंच गया है आपके ओव्यूल तक। तो ऊपर में पॉलन है, मैं इसकी पोलन ट्यूब को लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है, और ये ग्रो होते होते यहां तक पहुंच गया है। मधुसूदन, ठीक है, तो ये यहां तक पहुंच गया है पोलन ट्यूब। कहां तक पहुंचा है ये पोलन ट्यूब, मैं बताता हूं कहां तक पहुंचा। हाँ, ओव्यूल के भी अंदर फीमेल गैमेटोफाइट तक, कहां तक पहुंचा है, फीमेल गैमेटोफाइट, वो जो मैंने तुम्हें सेवन सेल्ड एक यूनिट स्ट्रक्चर पढ़ाई थी, पढ़ाई थी ना, हाँ एक चीज मैंने तुम्हें पढ़ाई थी, मैं बोला था सेवन सेल्ड और एट न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। तो सेवन सेल्ड एक यूनिट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते थे, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है ना, फीमेल गैमेटोफाइट। तो इसकी जो मूवमेंट है पोलन ट्यूब की, पोलन ट्यूब की जो मूवमेंट है कहां से कहां तक, ओ सॉरी, पोलन ट्यूब की जो मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है, मैं डायग्रामेटिक पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो जो इसकी मूवमेंट है ठीक है, इसकी मूवमेंट कहां से कहां तक हुई है वो मैं बता रहा हूं आपको। तो इसकी मूवमेंट हुई है स्टिग्मा से लेकर फीमेल गैमेटोफाइट तक, ठीक है। तो जो इसकी मूवमेंट है कहां से कहां तक इसकी मूवमेंट हुई है, फ्रॉम स्टिग्मा टू फीमेल गैमेटोफाइट। इस मूवमेंट को हम बोलते हैं साइफोनोगैमी, ठीक है ना, साइफोनोगैमी बोलेंगे इसको हम। और ये आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा है, ठीक है, बचा लोगे एक्स्ट्रा, ठीक है। अब फिलहाल यस सर, हाँ जी, इसके बाद अब अंदर आ गया है फीमेल गैमेटोफाइट तक, ये पोलन ट्यूब पहुंच चुकी है। और मैंने बताया था ओव्यूल का ये वाला रीजन होता है माइक्रोपाइल, ये कौन सा रीजन होता है, माइक्रोपाइल रीजन, है ना। और ये ऊपर वाला रीजन कौन सा है, ये है चैलेंजर, ठीक है ना, ये है चैलेंजर। अच्छा, अब मैं तुम्हें जो पढ़ा रहा हूं उसको हम बोलते हैं एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब की जो एंट्री है वो ओव्यूल के अंदर, ये जो स्ट्रक्चर है रेड कलर की जो मैंने बनाई है इसको बोलते हैं ओव्यूल, ठीक है ना। तो ओव्यूल के अंदर कैसे कैसे इसकी एंट्री होती है वो मैं पढ़ा रहा हूं। तो देखो भाई, ओव्यूल के अंदर जो इसकी एंट्री है वो तीन जगह से हो सकती है, ठीक है। ओवरी के तीन हिस्से मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तो ओवरी के तीन हिस्से मैं बता रहा हूं यहां पे, एक तो है यहां पे माइक्रो, ये सॉरी चैलेजा, ठीक है, एक है यहां पे ये इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है, एक है इंटेग्यूमेंट्स और एक है यहां पे माइक्रोपाइल, ठीक है। तो इन तीनों को मैं नाम लिख देता हूं जो कि मैंने आपको पढ़ाए थे, ये कौन सा रीजन है, ये है चैलेंजा, ये कौन सा रीजन है, ये है माइक्रोपाइल,
ठीक है, और ये है इंटेगुमेंट्स। कम पड़ गई जगह, लिख देते हैं, ये है इंटेगुमेंट्स। ठीक है, आप बस इतना याद रखें एंट्री कहां से हो रही है। अगर एंट्री इंटेगुमेंट से हो रही है, अगर एंट्री चलेजा से हो रही है, और अगर एंट्री मैकेपेल से हो रही है, तो इनको क्या क्या बोलेंगे। अगर इसकी एंट्री हो रही है चेलेजा से, तो इसको हम बोलेंगे, इस तरह की एंट्री को हम बोलेंगे चेलेजोगेमी। इसको हम बोलेंगे चेलेजोगेमी सर। और इंटेगुमेंट से हो रही है तो इसको हम बोलेंगे मीजोगेमी। हाँ पूछिए बच्चे। सर ये इंटेगुमेंट दो ही क्यों होते हैं? हाँ ये बताएंगे, आप अपने माइक को ऑफ करें फिर बताता हूँ। इंटेगुमेंट दो क्यों होते हैं अभी बताता हूँ। फिलहाल चेलेजा से अगर एंट्री हो रही है पोलन ट्यूब की, तो इसको हम बोलेंगे चेलेजोगेमी। इंटेगुमेंट से हो रही है तो मीजोगेमी, और माइकोपेल से हो रही है तो इसको हम बोलेंगे पोरोगेमी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम पोरोगेमी। चेलेजा से अगर एंट्री होती है तो इसके लिए एक और टर्म है, इसको हम बेसीगेमी भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। फिलहाल अब देखो एंट्री कहीं से हो जाए, मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, एंट्री कहीं से भी हो जाए। जैसे कि अगर चेलेजा से अगर एंट्री हो भी रही है पोलन ट्यूब की, तो ये चेलेजा से एंट्री करने के बाद वापस से बाहर आ जाएगा। है ना, चेलेजा से एंट्री करने के बाद वापस से बाहर आ जाएगा, और एंट्री इसकी फाइनल कहाँ से होगी, माइकोपेलर एंड से ही होगी। समझ गए, क्लियर है? यस सर। अच्छा, इसके बाद अगर इसकी एंट्री इंटेगुमेंट से हो रही है, तो इंटेगुमेंट से सीधा कहाँ हो जाएगी, फीमेल गैमेटोफाइट में। क्लियर है? यस सर। समझ गए। हाँ, और माइकोपेलर एंड से कैसे एंट्री होती है, वो तो मैंने आपको दिखा दिया है। तो माइकोपेलर एंड से ही ज्यादा कॉमन एंट्री होती है, तो यही हम बोलेंगे मोस्ट कॉमन। ठीक है, सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो यही है। क्लियर है? और ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। ओव्यूल कि ओव्यूल के अंदर कैसे कैसे ये एंट्री करते हैं, वो मुझे बताना था और वो मैंने बता दिया अभी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया है कि सर ये दो ही क्यों मिलते हैं। तो देखो हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म्स का। किसका पढ़ रहे हैं? एंजियोस्पर्म्स का। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स का एडेप्टेशन ही ऐसा है कि इनके अंदर दो इंटेगुमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में जाके ये जो दो इंटेगुमेंट्स हैं, ये दो लेयर बनाएंगे। बाहर वाला इंटेगुमेंट सीड की एक लेयर बनाएगा, जिसको हम बोलेंगे टेस्टा, और अंदर वाला जो इंटेगुमेंट है, ये फ्यूचर में सीड की अंदर वाली लेयर बनाएगा, इसको बोलेंगे टैगमैन। ठीक है, अब टैगमैन। अब एक और क्वेश्चन आता है कि फिर एक किसके अंदर मिलता है। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, जो अपने 9th क्लास में पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, तो जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर सिर्फ एक ही इंटेगुमेंट मिलता है। ठीक है ना, याद रखनी आपको ये बात, क्लियर है? और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं उन प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावर पैदा होते हैं, और जिनके अंदर फ्लावर पैदा होते हैं उनको हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। जिन पेड़ों पे क्या पैदा होते हैं, फ्लावर्स पैदा होते हैं। क्लियर है? समझ गए। इनका बस जिंदगी ऐसी है, इनका जेनेटिक मेकअप ही ऐसा होता है कि ये दो इंटेगुमेंट बनाएंगे, इनका डीएनए ही इस तरह का होता है। क्लियर है? समझ गए। अच्छा, अब पोलन ट्यूब जब एंट्री करती है फीमेल गैमेटोफाइट में, तब क्या होता है? तो देखो बच्चों, तब क्या होता है, तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से आपको ये स्ट्रक्चर बना के आना है एग्जाम में। ठीक है, तो मैंने नीचे तीन सेल बना दी है, नीचे है माइक्रोपेलर एंड, और बीच में मैंने बना दी है दो सेल्स। ठीक है, ये दो सेल्स कौन सी हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ठीक है ना। हाँ, और ऊपर में है आपकी एंटीपोडल सेल्स, ऊपर में है एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, इसके बाद, हाँ जी, अब सुने,
यहाँ पे ये है सेंट्रल सेल, बहुत बड़ी सी सेल है ये जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये है सेंट्रल सेल। ठीक है, ये सेंट्रल सेल है, इसके अंदर मिल रहे हैं दो न्यूक्लियस। अब देखो होता क्या है, सिनर्जिड और एग सेल को आप कैसे पहचानेंगे? सिनर्जिड्स के अंदर वैक्यूल मिलेंगे, जैसे कि मैंने यहां बना दिया, ये क्या है, वैक्यूल है, जबकि एग सेल के अंदर वैक्यूल नहीं है। क्लियर है? सेंट्रल सेल के अंदर बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ये जो मैंने गीगर की दो सेल्स बनाई है साइड में, ठीक है, ये जो दो सेल्स मैंने बनाई हैं, इनको हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। ठीक है, और जो ये सेल मैंने बनाई है इसको हम बोलेंगे एग सेल। ठीक है, और ये तो है सेंट्रल सेल आपकी, बड़ी सी सेल। ठीक है, और ये जो तीन सेल्स मैंने यहां बनाई हैं, इनको हम बोलेंगे एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, ए सी लिख दिया मैंने यहाँ पे, आपको पता होगा ए सी मतलब है एंटीपोडल सेल्स, इनके न्यूक्लियस भी होंगे। ठीक है, हाँ जी, ये है सेंटर से। हाँ जी बताइए, क्या हो गया? एंटीपोडल सेल में सर वैक्यूल्स होते हैं? नहीं, फिर ये है आपकी एग सेल, ठीक है, और ये है आपके सिनर्जिड्स। क्लियर है? मैंने सबके नाम लिख दिए शॉर्टकट में आपको, क्योंकि पहले ही पढ़ा चुका हूं मैं। ठीक है, अच्छा फिलहाल मुझे ये बताइए, ये पॉइंट किस किस से क्लियर हो गए हैं? अरे ये क्या हो गया, हाँ जी, ये वाला किससे क्लियर हो गया, ये वाला डायग्राम क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो, ठीक है, फिर मैं आगे समझाता हूँ होता क्या है, पूरी प्रोसेस समझेंगे आज हम। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, चलेजा क्या है, ओव्यूल क्या है, माइक्रोपायर एंड कौन सा है। ठीक है, अब सुने, अब देखो इसके बाद क्या होगा, जैसे ही पोलन ट्यूब एंट्री करेगी, ये देखो ये एंड है माइक्रोपायलर एंड, ठीक है ना, ये माइक्रोपायलर एंड है, जैसे ही पोलन ट्यूब यहां से एंट्री करेगी तो देखो क्या होगा, पोलन ट्यूब एंट्री करेगी, मैं नीचे वाला रीजन बना रहा हूं सिर्फ, ठीक है ना, पोलन ट्यूब ने एंट्री किया, दोनों में से किसी एक सिनर्जिड के अंदर पोलन ट्यूब एंट्री कर जाएगी और अपने दोनों मेल गैमेट को छोड़ देगी, ठीक है ना, उस सिनर्जिड के अंदर, ये जो सिनर्जिड होगा ना, क्लियर है, इसके अंदर अपने मेल गैमेट को छोड़ देगा, ये जो पोलन ट्यूब आया है, क्या है ये पोलन ट्यूब ही तो है, तो पोलन ट्यूब अपने दोनों मेल गैमेट को किसी एक सिनर्जिड के अंदर, मतलब ये सिनर्जिड वन है और इसके साइड में है एग सेल, ठीक है, और इसके साइड में फिर मिलेगा आपका एक और सिनर्जिड मिलेगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? यस सर। हाँ, ये दूसरा सिनर्जिड है, तो दोनों में से किसी एक सिनर्जिड में पोलन ट्यूब एंट्री करेगी, ठीक है ना, दोनों में से किसी एक में एंट्री कर सकती है, क्लियर है? अब जिसके अंदर एंट्री करेगी उस सेल को फाड़ दिया इसने, इस सेल को क्या कर दिया, इसने डैमेज कर दिया, इस सेल को क्या कर दिया, इसने डैमेज कर दिया, है ना, ये सेल क्या हो गई, डैमेज हो गई है पूरी तरीके से, क्लियर है? अब ये जो मेल गैमेट है, एक मेल गैमेट आ जाएगा यहाँ पे, फीमेल गैमेट से फ्यूज करेगा और एक मेल गैमेट जाएगा यहाँ पे ऊपर, ऊपर में क्या है, ऊपर में क्या है, मैंने आपको बताया था ऊपर में है यहाँ पे क्या है, सेंट्रल सेल होगी नहीं होगी, अभी बताया था मैंने, है ना, ऊपर में सेंटर सेल है, इसके भी दो न्यूक्लियस हैं और ये जो दूसरा गैमेट है वो यहाँ पे आके फ्यूज हो जाएगा, दूसरा गैमेट किससे फ्यूज हो जाएगा, इनसे जाके फ्यूज हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आ गया? Yes. एक तो हो गया एग सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो गया एक मेल गैमेट, और एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज हो गया, सेंट्रल सेल के दो न्यूक्लियस के साथ, समझ गए, ये जो दो न्यूक्लियस है ना, इसका नाम क्या है, न्यूक्ली, हाँ पोलर न्यूक्लिया, क्या बोल सकते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, है ना, अच्छा इस प्रोसेस को बोलते क्या है, हम इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन,
इस प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, समझ में आ जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन। आपको कंप्लीट लिखना अपनी नोटबुक में, ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। अब डबल फर्टिलाइजेशन हमें दो चीजें मिली है, डबल फर्टिलाइजेशन में हमने दो चीजें देखी। एक तो ये देखा कि जो देखो दो मेल गैमिट थे, ठीक है, कि एक मेल गैमिट फ्यूज होता है किसके साथ, एग के साथ, किसके साथ, एग के साथ, ठीक है, और एक मेल गैमिट फ्यूज होता है पोलर न्यूक्लियाई। मैंने पीएन लिख दिया, समझ जाओगे ना। यस सर, यस सर, ठीक है। अब ये जाए, ये क्या बनाएगा और ये क्या बनाएगा, ठीक है, तो सुनो, ये बना देगा जायगोट, जो अपर वाला है, जो मेल गैमिट है, और एक क्या होता है, फीमेल गैमिट होता है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, जायगोट, जायगोट बनाते हैं, ठीक है ना, जायगोट, हाँ, गुड। और एक मेल गैमिट पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज होकर बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, क्या बना देगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, ये बना देगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे इसको क्वालिटी दे देते हैं, ठीक है, हाँ जी। और जायगोट जो बना है ये तो आप जानते हैं। अच्छा, अब इनकी प्लॉयडी लेवल की बात करता हूँ। प्लॉयडी लेवल देखो, ये हैप्लॉयड होता है और ये भी क्या है, हैप्लॉयड है, तो क्या बनेगा जायगोट, हैप्लॉयड या डिप्लॉयड, डिप्लॉयड, डिप्लॉयड बनेगा। अच्छा, ये डिप्लॉयड था पोलर न्यूक्लियस, क्योंकि दो न्यूक्लियस है ना, एन एन है, और एक ये न्यूक्लियस है। अब कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, ट्रिप्लॉयड ये बनेगा। तो याद रखना प्राइमरी एंडोस्पर्म, हाँ गुड गुड, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है, जिसको शॉर्ट में पेन बोलते हैं, ये कैसी स्ट्रक्चर है, ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, और जायगोट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। और एक बात हम समझते हैं यहाँ पे, हाँ जी, एक बात और समझनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आएगी और अभी, ठीक है ना, तो सुने, हाँ जी, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगैमी, क्या बोलेंगे, सिनगैमी, ठीक है ना। जैसे कि फर्टिलाइजेशन को हम बोलते ही हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक इसको हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। तो कुल मिलाकर के जो डबल फर्टिलाइजेशन है, इसके अंदर दो चीजें आएंगी, कौन कौन सी, एक तो आएगा सिनगैमी और एक आएगा ट्रिपल फ्यूजन, क्लियर है, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन आएगा। और कैसे कैसे आकर के गैमिट फ्यूज होते हैं, वो पूरी प्रोसेस मैंने आपको समझा दी है, ठीक है, समझ में आ गया यहां तक, यस सर, हाँ जी, क्लियर है। अब देखो होता क्या है इसके बाद, फ्यूचर में इसके बाद क्या होता है, जो ये जायगोट है, फ्यूचर में जाकर के ये क्या बना देगा, एम्ब्रियो बना देगा, फ्यूचर में ये एम्ब्रियो बना देगा। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, फ्यूचर में जाकर के ये बना देगा एंडोस्पर्म। जो आपने नारियल पानी पिया है, नारियल पानी, yes, sir. वो जो कोकोनट वाटर है, वो एक एग्जाम्पल है एंडोस्पर्म का, ठीक है ना। तो एंडोस्पर्म का एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, कोकोनट वाटर, हाँ कोकोनट वाटर, ठीक है, कोकोनट वाटर। अब ये काम क्या करता है, एंडोस्पर्म नरिशमेंट देता है एम्ब्रियो को, किसको नरिशमेंट देगा, एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने का काम करता है। मतलब जो ये एम्ब्रियो बनाना है, जो ये जायगोट से एम्ब्रियो बनाना है, जो ये जायगोट से एम्ब्रियो बनाना है, इस प्रोसेस को नरिशमेंट चाहिए। तो जायगोट से एम्ब्रियो बनने में जो नरिशमेंट लगेगा, जायगोट से एम्ब्रियो बनने में जो भी नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, वो कौन फुलफिल करेगा, ये एंडोस्पर्म फुलफिल करेगा, समझ गए, क्लियर है। ये एंडोस्पर्म क्या देगा, नरिशमेंट देगा,
कौन सी प्रोसेस को कराने के लिए? जायगोट से एम्ब्रियो बनाने के लिए. क्लियर है? समझ में आ गया? यस सर. अब बाकी चीजें हम पढ़ेंगे लेटर. अगर मैं अभी पढ़ा दूंगा तो आप लोगों का फिर दिमाग फ्यूज हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा. तो इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ. बस इतना याद रख लो जो चीजें मैं दो चार बता रहा हूँ कि फ्यूचर में होगा क्या क्या, फ्यूचर में क्या होगा. अब मैं तुम्हें फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स बता रहा हूँ कि फर्टिलाइजेशन के बाद होता क्या क्या है. तो देखो भाई, ओवरी जो होता है वो क्या बना देगा फ्यूचर में, ओव्यूल जो होगा ये फ्यूचर में क्या बनाएगा, है ना. ओव्यूल के अंदर जो उसके इंटेग्यूमेंट्स हैं ये क्या बनाएंगे, इंटेग्यूमेंट्स क्या बनाएंगे. और जो आपका जायगोट है ये क्या बनाएगा, ठीक है. और जो ओवरी की वॉल है वो फ्यूचर में क्या बनाएगी, ठीक है. और कुछ रह गया? हाँ, एक आपका जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा क्या बनाएगा, ठीक है. तो मैं लिख रहा हूं कुछ पॉइंट्स. ओवरी फ्यूचर में जाके क्या बनाएगी, फ्रूट बनाएगी. फ्रूट्स. ओव्यूल क्या बनाएगा, ओव्यूल फ्यूचर में जाके सीड बनाएगा. सीड्स, है ना. इंटेगुमेंट जो कि ओव्यूल के ही हिस्से हैं वो बनाएंगे सीड के कोट, ठीक है ना. वो क्या बनाएंगे, सीड, सॉरी, वो बनाएंगे सीड कोट, है ना. जो कि दो लेयर मैंने बताई थी, कौन कौन सी थी, टेस्टा थी और टैगमेन थी, ठीक है ना. जायगोट क्या बनाएगी, एम्ब्रियो बनाएगी. ओवरी वॉल क्या बनाएगी, फ्रूट की वॉल बनाएगी, ठीक है ना. फ्रूट की लेयर्स होती हैं. प्लेसेंटा क्या बनाएगा, वो बना देगा आपका एक स्कार छोड़ जाएगा उसके ऊपर, स्कार, सीड के ऊपर एक धब्बा छोड़ जाएगा. जैसे आपने कभी बीन की सीड देखी तो उस पर धब्बे बने हुए होते हैं, बने होते हैं ना.